नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवानी और मेरे इस चैनल बेस्ट फॉर बेबी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कब्ज होता है, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि बच्चा अगर 0 से 6 महीने का है, जैसे बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 6 महीने तक की मैं बात कर रही हूँ, अगर तब तक का बच्चा है और अगर 1 हफ्ते में एक बार पॉटी जा रहा है, उसे आप कब्ज मत समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बड़े बच्चों की। तो फ्रेंड्स, उनमें क्या है कि आप थोड़ा फाइबर रिच, जैसे जो रेशे युक्त होता है ना खाना, वो आप ज़रूर दीजिए। उन्हें फल ज़रूर दीजिए, सब्जियां ज़रूर दीजिए, इनमें रेशे होते हैं। और बच्चों के लिए जब रोटी बनाए ना, तो बहुत ज़्यादा फाइन आटा मत ले, पैकेट का आटा मत ले बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें वो लोग मैदा की मिक्सिंग करते हैं जिससे रोटियाँ वाइट हुए हैं। और मैदा फ्रेंड्स, मैदा कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाता है हमेशा, ये याद रखिएगा। बच्चों को मैदे से दूर रखिएगा। घर पे गेहूँ साल भर का ले लीजिए, छत पर फटकवा के धुलवा के उसको आटा बनवाइए, उसका वही बच्चों को दीजिए। उसमें चोकर रहने दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल उसको ये नहीं कि एकदम छान के बिल्कुल ही वो कर देना, थोड़ा चोकर उसमें मिला दिया कीजिए। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, बच्चों के लिए आप क्या कीजिए कि दालें जैसे हैं, जैसे मूंग की दाल हमें देनी है या उड़द की दाल देनी है, तो बहुत सारे लोग क्या होता है ना, छिलके बिना छिलके वाली लेते हैं। आप कोई भी दाल बिना छिलके की मत लीजिए। अरहर की तो आपको बिना छिलके की लेनी पड़ेगी दाल, बट मूंग की आप थोड़ी सी, जैसे अरहर की आप रोज़ दाल, रोज़ मोस्टली घर में रोज़ तुअर की मतलब अरहर की दाल ही बनती है, तो वो तो बिना छिलके की हुई ना। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि जैसे नापा अरहर की दाल और थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी मूंग की दाल डाल दी, छिलके वाली जो मूंग होती है वो डाल दी, वो भी फाइबर का एक अच्छा सोर्स है। बच्चे में भी दाल बच्चा खाएगी, फाइबर उसमें जाएगी। और थोड़ा सा उसे घी ज़रूर दिया कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे दाल चावल दे रहे हैं तो घी डाल दिया, खिचड़ी में घी डाल दिया, अगर रोटी में बच्चा घी लगवा के खा लेता है, जैसे मेरा बच्चा बटर लगवा के खाता है रोटी में, घी वो रोटी में नहीं खाता। अगर आपका बच्चा रोटी रोटी पे घी लगवा के खा लेता है ना, तो आप उसे ज़रूर दिया कीजिए। और फ्रेंड्स, काला नमक बच्चों की डाइट में ज़रूर दीजिए। अगर आपका बच्चा खा सके तो आप शहद में हरड़ होती है ब्लैक, आप अगर कमेंट करोगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगी कैसी होती है। उसको आप पानी से घिस लीजिए और शहद में मिला कर दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी कड़वी, थोड़ा सा कड़वे टाइप की होती है, बच्चे उसे खाली नहीं खा पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप उन्हें खजूर ज़रूर दीजिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं खजूर ऐसे नहीं खाते, मेरा बेटा भी नहीं खाता है, तो मैं शेक में देती हूँ बच्चों को। किशमिश, मुनक्का, अंजीर, ये सब आपको ज़रूर देना है। अब किशमिश, मुनक्का, अंजीर, कोई भी चीज़ मेरा बच्चा आप ऐसे हाथ में, मैं प्लेट में हूँ ना, नहीं खाएगा, उसके लिए मैं शेक बनाती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, बच्चों को 1 साल का होने के बाद दूध थोड़ा सा कम कीजिए, ज़्यादा दूध देने से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे कि 2 साल का बच्चा है तो दिन में 2 कप दूध दे दीजिए, 1 सुबह 1 रात में। और फ्रेंड्स, आप बच्चे को सैलेड दीजिए अगर वो खाता है, मेरा बच्चा तो नहीं खाता। फ्रूट ज़रूर दीजिए, जैसे मेरा बेटा एप्पल्स पसंद करता है तो आप एप्पल्स ज़रूर दीजिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बनाना नहीं देना चाहिए कॉन्स्टिपेशन में। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं कि बनाना शहद के साथ अगर दो तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है। शहद के साथ बनाना दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना दूध दे दीजिए, तो कहते हैं कि काफ़ी फ़ायदा करता है कॉन्स्टिपेशन में। और ऐसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स उपाय हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग सपोजिटरी लगाते हैं, वो बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। सपोजिटरी की अगर नौबत आ रही है तो घर में ही रुई से तेल की बत्ती बना लीजिएगा और वो लगाइएगा बच्चे के, वो सपोजिटरी मत लगाइएगा। और फ्रेंड्स, एक टैबलेट आयुर्वेदिक आती है ईजी क्लीन करके, वो आप दे सकते हैं बच्चे को। और अगर होम रेमेडी से काम नहीं चल रहा है तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, पीपल के पत्ते को पानी में उबाल कर दे देते हैं बच्चे को, निम्बोरी जो होती है ना, नीम के फल, उनको उनका चूर्ण बना के दे देते हैं। और बच्चों को आप ऑरेंज का जूस दीजिए, अनार का जूस दीजिए, ये सब दीजिए। सर्दी है तो आप सूप ज़रूर दीजिए बच्चों को, बिना छाना हुआ, जैसे पक गया तो आप उसे छानिए, स्ट्रेन मत कीजिए, वरना तो वो सिर्फ पानी रह जाता है, तो आप वो दे सकते हैं। सर्दी में आप शकरकंद दे सकते हैं बच्चे को, उसमें फाइबर काफ़ी होता है। आलू और चावल थोड़ा सा कम कर दीजिए, बंद मत कीजिएगा, थोड़ा सा कम कर दीजिए। और बच्चे को आप एक चूर्ण होता है, अजवाइन, जीरा, हींग, थोड़ी सी मेथी, इन सबको भून लेते हैं, फिर इन्हें ग्राइंड करते हैं और पिसे काले नमक के साथ मिलवा देते हैं, वो आप बच्चे को थोड़ा सा दे सकते हैं, थोड़ा ही अमाउंट में से देना है।
और जो मैंने खजूर बताया ना वो ज़रूर दीजिएगा। अगर इन सब के बाद भी बात नहीं बन रही है ना फ्रेंड्स, तो हम न्यू आउट पाउडर करके एक पाउडर आता है, ईसब गोल की तरह होता है, बिल्कुल सेफेस्ट मेडिसिन है वर्ल्ड की बच्चों के लिए, दो दो साल के लिए रिकमेंड कर देते हैं डॉक्टर, तो आप वो उसे दे सकते हैं। मैं इसका रिव्यू कुछ दिनों में अपने चैनल पर लाने वाली हूँ, ज़रूर देखिएगा उसे, डोंट मिस इट आउट। और मेरा ये चैनल आपको कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।